नमस्कार दोस्तों, इसके पहले मैंने जीएसटी पर एक लेक्चर पूरा डिटेल में अपलोड किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा और वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आज मैं उसी लेक्चर पर वो बेस बना करके जीएसटी पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा सकते हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी आगामी परीक्षाओं में तैयारी के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे करके महत्वपूर्ण सुझाव जरूर हम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ जीएसटी डुअल जीएसटी। हमारे यहाँ डुअल जीएसटी है, ये आप भी जानते हैं, हमने अपने लेक्चर में बताया भी था कि हमने डुअल जीएसटी का मॉडल अपनाया हुआ है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये जो हमने मॉडल अपनाया है ये कहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तीसरा है कनाडियन यानी कनाडा। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो हम इन चारों के बारे में आपको बता देते हैं, इससे आपको खुद ही निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कौन सा उत्तर ज़्यादा सही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको बता दें कि कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, कोई भी सेंट्रल टैक्स उनके यहाँ नहीं है। तो इसलिए जब वहाँ पर सेंट्रल टैक्स है ही नहीं है तो यानी यूएसए मॉडल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आते हैं यूके पर, यानी ब्रिटेन में जो मॉडल आया था, ब्रिटेन में सिंगल टैक्स मॉडल है और उनके यहाँ ये जो जीएसटी का सिस्टम था इसको जीएसटी के रूप में नहीं बल्कि वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में 1973 में शुरुआत किया गया था इसका। इसके पहले इसको ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते थे या इसको परचेज टैक्स वहां पर कहा जाता था, जो 20% और 20% से घटा करके जिसको 5% तक लाया गया था। और तीसरा है आपका, तीसरा ऑप्शन है कनेडियन मॉडल यानी कनाडा का मॉडल। देखिए कनाडा में फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी स्टेट भी कानून बना सकता है अपने विषयों पर और केंद्र भी अपने विषय पर कानून बना सकता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जैसा हमारे यहाँ है वैसे ही कनाडा में है। तो कनाडा में डुअल जीएसटी लागू था और फेडरल स्ट्रक्चर था, तो उसी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने भी कनाडा का मॉडल अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बता दें कि जीएसटी लागू है, लेकिन वहाँ पर सिंगल जीएसटी है जिसका जो 2010 में वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, और वहाँ का जो टैक्स रेट है वो 10% है, जबकि हमारे यहाँ जो जीएसटी का टैक्स रेट है वो आप जानते हैं 0% है, 5%, 12%, 18% एंड 28% है। तो हमारे यहाँ जो मॉडल अपनाया गया वो था कैनेडियन मॉडल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी, कैनेडियन मॉडल, जो डुअल जीएसटी है। क्यों है? क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर वाले स्टेट हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ, तो हमने कनाडा का मॉडल अपनाया हुआ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी। कितने तरह के टैक्स होंगे? जैसा कि अभी अभी हमने बताया आपको कि हमने डुअल जीएसटी का मॉडल अपनाया है, लेकिन जो हमारे यहाँ जीएसटी का मॉडल रखा गया है उसमें 3 तरह के टैक्स लगाए जाएंगे।
यानी जीएसटी विल बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, यानी जो केंद्र को जाएगा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो राज्य को जाएगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, यानी अगर कोई भी व्यापार आप दो राज्यों के बीच में करते हैं, कहीं से आपने कच्चा माल मंगाया और उसको दूसरे राज्य में आप भेज रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पर आईजीएसटी लगेगा, जिसे केंद्र सरकार वसूलेगा और राज्य के साथ उसको बंटवारा करेगा। तो यहां पर हमारा जो जीएसटी का जो टाइप है वो कितना हुआ, तीन तरह का, यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी तीन तरह का। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द टैक्सेस लेवीड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी हमने यही बताया कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी सामान की आपूर्ति करते हैं तो कौन सा टैक्स उस पर आरोपित किया जाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आप जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो जीएसटी लगता है उसको दो भागों में बांटते हैं, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी केंद्र और राज्य आधा आधा उसको बांट लेते हैं। तो जब हम दो राज्यों के बीच में इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तब वहां पर आईजीएसटी लगता है। जब इंट्रा स्टेट यानी कोई भी किसी भी स्टेट के अंतर्गत सप्लाई करते हैं, यानी एक स्टेट में राज्य में ही हम उसको सामान को बनाते हैं और वहीं बेचते हैं, तो ऐसे में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, यानी उस पर लगने वाला टैक्स जो होगा वो जीएसटी होगा, जिसे दो भागों में बांटा जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही है, सी। अगर यही इंटर स्टेट होता, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की बात होती, तो वहां पर आईजीएसटी लगता, तब वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो है थर्ड, यानी सी। चलिए चौथे पर आते हैं। चौथा कह रहा है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी। यहां पर आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, दो क्वेश्चन बनते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी। देखिए, जीएसटी पास करना और जीएसटी पर अपनी सहमति प्रदान करना, रेटिफाई का मतलब होता है सहमति प्रदान करना, इसमें किसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, बहुत ज्यादा दिक्कतें हमने देखा है कि इसको लेकर के बड़ा विवाद होता रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं कि 12 अगस्त 2016 को असम ने इस बिल पर अपनी सहमति दी थी। सर्वप्रथम यह पहला ऐसा राज्य था जिसने रेटिफाई किया था। रेटिफाई करने का मतलब होता है अपनी सहमति व्यक्त करना। और इसके बाद 16 अगस्त यानी 12 अगस्त 2016 को असम ने इसको रेटिफाई किया और 16 अगस्त 2016 को बिहार ने इसको रेटिफाई किया। लेकिन जब पास करने की बात आती है, यानी जब संसद और संसद के दोनों सदनों से जीएसटी पास हो गया और उसके बाद सारे राज्यों को अनुमोदन करने की बात आई, यानी उनको अपने अपने राज्यों में इस बिल को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को पास करके उसको अनुमोदित करना था, तो तेलंगाना ने इसमें इसको 9 अप्रैल 2017 को पास किया था, बिहार ने इसको 24 अप्रैल 2017 को पास किया था, जबकि राजस्थान ने 26 अप्रैल 2017 को पास किया था, झारखंड ने 27 अप्रैल 2017 को, छत्तीसगढ़ 28 अप्रैल, उत्तराखंड 2 मई, मध्य प्रदेश 3 मई और हरियाणा ने 4 मई को इसको पास किया था।
यानी 1 जुलाई 2017 तक जम्मू कश्मीर के अलावा इसको सभी राज्यों ने पास कर दिया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने भी 8 जुलाई को इसको पास कर दिया, तो जिससे ये पूरे राज्य में, पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो गया। तो अगर जब बात आएगी कि किस स्टेट ने पास किया सबसे पहले, तो वो होगा तेलंगाना। और अगर ये बात आएगी कि किसने अपनी सहमति सबसे पहले व्यक्त की थी, तो नंबर एक पर है आसाम और नंबर दो पर है बिहार। तो इसमें थोड़ा सा आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। फिर से आप इसको ध्यान रखिए कि 12 अगस्त 2016 को आसाम ने रेटिफाई किया था, पास नहीं किया था, रेटिफाई किया था यानी अपनी सहमति व्यक्त करी थी, लेकिन पास किया था सबसे पहले 9 अप्रैल 2017 को तेलंगाना ने। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन जो हमारा है कि किसने कौन सा स्टेट सबसे पहले पास किया, तो वो हुआ तेलंगाना। किसने सबसे पहले अपनी सहमति व्यक्त की, तो वो था आसाम और नंबर दो पर था बिहार। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वेयर इज द पावर टू लेवी जीएसटी डिराइव्ड फ्रॉम। जीएसटी को लागू करने का पावर संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जीएसटी को पास करने का, जीएसटी को लागू करने का जो हमारा, हमारी शक्ति है, वो संविधान के किस अनुच्छेद से आती है? तो विकल्प आप पहले देख लीजिए। विकल्प है आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 112, आर्टिकल 264 और आर्टिकल 116। ये चार विकल्प हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये हमने अपने इसको लेक्चर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ था हमने, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें कि जो संविधान संशोधन बिल था वो पास हुआ था 122वां था, यानी इसके पहले जो 115वां संविधान संशोधन बिल था वो संसद में लैप्स हो गया था। क्यों? क्योंकि संसद यानी लोकसभा का कार्यकाल 2014 में खत्म हो गया था, यानी उसको पास नहीं किया जा सका था। तो ये 122वां संविधान संशोधन बिल और 101वां संविधान संशोधन एक्ट था। तो ये एक्ट किस पर था? ये आर्टिकल 246 ए था। तो यहां पर जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो आर्टिकल है 246 ए संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016, जहां से संसद को और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी के ऊपर अपने अपने हिसाब से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यहां पर आर्टिकल 112 आप जानते होंगे कि ये बजट से संबंधित है, आर्टिकल 264 और आर्टिकल 116 का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये आपके लिए सही आंसर कौन सा हुआ? आर्टिकल 246 ए। अगर आंसर में आता है 246 तो भी करेक्ट आंसर नहीं है। जो शक्ति हमें जीएसटी को आरोपित करने का यानी जीएसटी वसूलने का जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो है संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 246 ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैलियंट फीचर ऑफ जीएसटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का विशेष स्वरूप नहीं है, यानी कौन सा जीएसटी का पार्ट नहीं है, जीएसटी के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी जीएसटी किस पर लागू होगा?
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर, और दूसरा ऑप्शन है जीएसटी वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, यानी जीएसटी किस पर आधारित होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, यानी डेस्टिनेशन जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा यानी जो कंज्यूमर होगा उस पर आधारित उपभोग पर, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन पर यह आधारित होगा। और तीसरा है इट वुड बी ए ड्यूअल जीएसटी विद द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लेविंग ऑन ए कॉमन बेस, इसे ड्यूअल जीएसटी के रूप में लागू किया जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों इसको समान रूप से लागू करेंगे और इसको समान रूप से बांट लेंगे। और चौथा विकल्प है एन इंटीग्रेटेड जीएसटी वुड बी लेविड ऑन इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वुड बी कलेक्टेड बाय द स्टेट। हमने अभी बताया था आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वहां था इंट्रा स्टेट, यहां देखिए वही बात आ गई, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप किसी एक राज्य में सामान बनाते हैं और दूसरे सामान में राज्य में ले जाकर के बेचते हैं तो वहां पर आईजीएसटी लागू होगा, लेकिन इसे एंड वुड बी कलेक्टेड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा वसूला जाएगा। आप जानते हैं सीजीएसटी जीएसटी आपूर्ति आधारित कर है, यानी पहला आंसर हमारा सही है कि जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है जीएसटी वुड बी बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ये भी सही है क्योंकि जीएसटी हमारा जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल है जो जिसको सेंटर और स्टेट में बराबर बराबर बांटा जा रहा है, ये भी सही है। तो पूछा गया है विच इज नॉट द सैलिएंट फीचर, तो सैलिएंट फीचर्स क्या नहीं है, यानी जो चौथा विकल्प है कि एन इंटीग्रेटेड जीएसटी वुड बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वुड बी कलेक्टेड बाय द स्टेट, यही गड़बड़ है। यहां तक तो सही है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई है तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, लेकिन इस राज्य नहीं वसूलेगा बल्कि इसको केंद्र वसूलेगा और राज्यों के साथ इसका बंटवारा करेगा। तो इसका साइलेंट फीचर्स कौन सा नहीं है, यानी इसके कौन सा इसमें गलत है, वो है डी, यानी इसका जो सप्लाई है वो इसका जो कलेक्शन है वो सेंटर करेगा और इसको राज्य के साथ बांटेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि रिप्लेस और सब्ज्यूम दो वर्ड यूज किए जाएंगे, यानी एक तो है किन कर की जगह पर इसको लगाया जाएगा और दूसरा है कि किस कर को इसमें समाहित किया जाएगा। दो वर्ड हैं और इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा तभी ये क्वेश्चन आपका सही होगा। हमने अपने लेक्चर में इस पर बहुत फोकस करके और बहुत कायदे से बताया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा उस लेक्चर को सुनने में तो आपको पता चलेगा कि रिप्लेस उन टैक्सेस को किया गया है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते थे और केंद्र द्वारा वसूले जाते थे, यानी जिसका जो केंद्र के टैक्स थे उनको जीएसटी ने रिप्लेस किया है, लेकिन ऐसे कर जो राज्य द्वारा लगाए जाते थे और राज्य द्वारा वसूले जाते थे यानी जिन पर राज्य कानून बनाता था उनको इसके अंतर्गत समाहित किया गया है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको याद हो तो उस ना याद हो तो भी उस वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं फिर हिंदी में पढ़ता हूं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, सेस एंड सरचार्ज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हिंदी में इसको पढ़ देता हूं, जीएसटी निम्नलिखित करों की जगह लगाया जाएगा, किन किन करों की जगह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
उत्पाद शुल्क औषधि एवं प्रसाधन उत्पाद, तीसरा है सेवा कर, चौथा है उपकर और अधिकार अधिकर जहां तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। अब आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमने आपको बताया कि जीएसटी उन करों की जगह लगाया गया है, यानी उन करों को रिप्लेस कर रहा है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, और जितने भी इस यहाँ पर हम कर की बात किए हैं वो सब केंद्र द्वारा लगाए जाते थे और केंद्र द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। तो यानी ये चारों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा है देख लेते हैं। तो पहला आंसर है मल्ली पहला फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सही है, लेकिन यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। पहला और तीसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये भी दोनों सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा चारों विकल्प सही है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो चारों विकल्प सही होने के लिए कौन सा है, डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे कर उन्हीं करों को जीएसटी रिप्लेस कर रहा है, और जो स्टेट द्वारा कर लगाए जा रहे हैं उन करों को जीएसटी सब्ज्यूम कर रहा है। चलिए अगला वही चीज आ गया फिर से, विच स्टेट टैक्स दैट वुड नॉट बी सब्ज्यूम विद इन जीएसटी इज। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेट कर है जिसे जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं किया जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि स्टेट द्वारा लगाए गए करों को जीएसटी सब्ज्यूम करेगा, यानी अपने आप में समाहित कर लेगा। तो वो कौन सा कर है जिसे जीएसटी समाहित नहीं कर रहा है। तो चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेट वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य द्वारा लगाया जाता था, और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे, सेनवैट सेंट्रलाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहां पर चूंकि हम सब्ज्यूम करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर स्टेट वैट ये सही है, इसको जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रीय बिक्री कर लगाता केंद्र था, वसूलता राज्य के साथ मिलकर के था, तो इसे भी जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया है। परचेज टैक्स भी सब्ज्यूम किया गया है। लग्जरी टैक्स बहुत इनकम स्टेट के इनकम का सबसे प्रमुख मद माना जाता है लग्जरी टैक्स को। इसके बाद हम और दो तीन करों के नाम गिना देते हैं आपको यहाँ पर। इनके अलावा है एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट। ध्यान रखिएगा एडवर्टीजमेंट, मैंने अपने लेक्चर में भी इस चीज़ को बहुत क्लियर कट से बताया था, बहुत क्लियर किया था कि एडवर्टीजमेंट जैसे होर्डिंग न्यूज़पेपर या अन्य माध्यमों से किया गया विज्ञापन, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी पर एडवर्टीजमेंट जो होता है, जो किया गया विज्ञापन है, वो स्टेट टैक्स में नहीं आता है, वो सेंट्रल टैक्स में आता है। तो जब भी टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट आएगा वो दूरदर्शन और आकाशवाणी को छोड़ करके, प्राइवेट चैनल टीवी चैनल या प्राइवेट इंटरटेनमेंट से कोई भी टैक्स है तो वो स्टेट टैक्स में आएगा, उस पर एडवर्टीजमेंट स्टेट टैक्स में आएगा, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया गया विज्ञापन सेंटर में जाता है ना कि स्टेट में आता है। तो स्टेट सेस एंड सरचार्जेस इतने टैक्स हैं जिनको जो स्टेट द्वारा लगाए जाते हैं और इनको जीएसटी के अंतर्गत सब्ज्यूम किया गया है। तो इसमें से हमारा विकल्प कौन सा है, स्टेट वैट है, सेंट्रल सेल टैक्स सब्ज्यूम किया जा रहा है, परचेज टैक्स सब्ज्यूम किया जा रहा है खरीद कर, लग्जरी टैक्स सब्ज्यूम किया जा रहा है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स यही वो कर है जिसको सब्ज्यूम नहीं किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये केंद्रीय कर है इसलिए इसे सब्ज्यूम नहीं बल्कि रिप्लेस किया जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ई, यानी कि
स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स को रिप्लेस किया जाएगा, ना कि सब्ज्यूम किया जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है किसको सब्ज्यूम नहीं किया जा रहा है, तो वो कौन सा विकल्प हुआ, ई। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स अंडर जीएसटी रिजीम। थोड़ा छोटा है, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़ने में थोड़ा सा शायद कम आ रहा होगा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स अंडर जीएसटी रिजीम। जीएसटी के अंतर्गत लघु उद्यमियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने की बात है, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाएगा। पहला है स्मॉल ट्रेडर्स विद ए टर्नओवर बिलो रुपीज 20 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर नीड नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी। एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से कम लेन देन करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत नामांकन से छूट दिया गया है। जानते हैं ऐसा किया गया है, यानी 20 लाख जिनका टर्नओवर है उनको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स अंडर जीएसटी रिजीम। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है छोटे व्यापारियों के संदर्भ में, लघु उद्यमियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला सही है, यानी जिनकी टर्नओवर 20 लाख एनुअल है उनको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है पूर्वोत्तर तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में छूट की सीमा 10 लाख रुपए है। फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स द एग्जम्पशन थ्रेशहोल्ड शैल बी, थ्रेशहोल्ड लिमिट कहते हैं इसको, थ्रेशहोल्ड शैल बी रुपीज 10 लाख। अगर हम ऐसे पूछे कितना है तो वो है 40 लाख रुपया थ्रेशहोल्ड लिमिट, लेकिन यहां पर थ्रेशहोल्ड लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए एग्जम्पशन जो छूट की सीमा है वो 10 लाख रुपए है, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है टैक्स पेयर्स मेकिंग इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब फिर वही हमने बताया एक राज्य से दूसरे राज्य में, सप्लाइज आर पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन। यानी वे करदाता जो अंतर राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवा वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं प्रदान करते हैं अथवा रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करते हैं वे शुरुआती छूट के पात्र नहीं होंगे। तो आपको ये बता दें कि बिल्कुल ये सही है कि उनको इस छूट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और चौथा विकल्प है कुल टर्नओवर यानी एग्रीगेट टर्नओवर शैल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर होगा और ऑल इंडिया बेसिस पर ही इसका कंप्यूटेशन यानी इसकी गणना की जाएगी। यानी चारों विकल्प इसमें से सही हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, इसमें से हमने जानबूझ करके ये चारों फैक्ट्स एक साथ रखे हुए हैं जिससे कि अभी ये चारों फैक्ट्स आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और इसको आप आसानी से याद कर सकें। तो इस क्वेश्चन को जानबूझ करके इस तरह से ही बनाया था हमने कि चारों फैक्ट्स आप यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाए और आप इसको याद कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 प्रोवाइड्स दैट द जीएसटी काउंसिल शैल एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। यानी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा और ये निम्न के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के अधिनिर्णयन हेतु एक तंत्र स्थापित करेगा। अधिनिर्णयन का मतलब होता है कि विवादों के समाधान करने हेतु एक तंत्र का स्थापना करेगा। वो विवाद किन किन के बीच में होंगे तो ये उसमें हस्तक्षेप करेगा। पहला जो पहला ऑप्शन है वो है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन आर मोर स्टेट्स। यानी अगर किसी राज्य
या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है या भारत सरकार के साथ कोई विवाद होता है तो उसके बीच में जो निर्णय होगा उसको निर्णय अंतिम निर्णय कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। ये विकल्प सही है कि एक राज्यों के बीच में, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है या किसी राज्य का भारत सरकार से विवाद हो जाता है तो इसके विषय में अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल करेगा। दूसरा विकल्प है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट आर स्टेट्स आर इनसाइड आर मोर आर वन स्टेट ऑन द अदर साइड, यानी भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों के साथ अन्य राज्य या राज्यों के मध्य किसी के भी बीच में अगर विवाद जीएसटी को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है तो उसका भी निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करेगा। बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स, हमने अभी भी बताया कि अगर दो राज्यों के भी मध्य विवाद है तो भी उसका निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करेगा। आल ऑफ द अबव, आल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने जानबूझकर रखा हुआ था कि ये इतने जो विकल्प दिए गए हैं इन, यानी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य, भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों के साथ अन्य राज्य या राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल में किया जाएगा, यानी जीएसटी परिषद में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो डी सही है, यानी उपर्युक्त सभी। तो ये भी फैक्ट है, इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, आपको याद रखने के लिए इसको इस तरह से बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अब तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर द कमोडिटीज प्रपोज्ड टू बी केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तु या वस्तुएं हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कौन कौन सी हैं? पहला विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानव उपभोग में प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल, मानव उपभोग में जो अल्कोहल प्रयोग होता है मेडिसिन्स वगैरह में, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरा है मोटर स्प्रिट, जनरली हम लोग पेट्रोल को पेट्रोल ही कहते हैं लेकिन सरकारी तंत्र में इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पेट्रोल, लेकिन सरकार की लैंग्वेज में इसको मोटर स्प्रिट कहा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक नया शब्द होगा कि पेट्रोल को मोटर स्प्रिट कहा जाता है ना कि पेट्रोल, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आगे से, क्योंकि मैंने तो लिख दिया है लेकिन आगे किसी एग्जाम में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा ये थोड़ा डाउटफुल केस है। तो मोटर पेट्रोल को ही मोटर स्प्रिट कहते हैं और कहीं इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, उच्च शक्ति वाला जो डीजल आता है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज वगैरह में ईंधन प्रयोग किया जाता है उसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF कहते हैं उसको, तो वायुयान ईंधन कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इन चारों चीजों को पांचों चीजों को बल्कि कच्चा पेट्रोल, उच्च शक्ति डीजल, प्राकृतिक गैस, वायुयान ईंधन और मानव उपभोग में प्रयुक्त अल्कोहल, इन पांचों चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इसको मैंने अपने लेक्चर में भी बहुत कायदे से बताया हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा? डी। तो ये भी फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए ये आगे चल के बड़ी दिक्कत कर देगा। इस फैक्ट्स को आप रट जाइएगा भविष्य के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फैक्ट बेस्ड बनाया है और फैक्ट्स को आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए थोड़ा सा
इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इन आप दोनों लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, तो इसलिए पूरा पेज भर गया और इस छोटा छोटा दिख रहा है, फिर भी पढ़ते हैं इसको। Which of the following is not true about GST? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि GST के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सत्य पर लगा दीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज द 101 यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। हमने पहले ही बताया कि आपको ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। बिल कौन सा था? द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा 19 दिसंबर 2014। तो इसके पहले कौन सा था? 122वां संविधान संशोधन बिल था ये। जब बिल की बात आएगी तो 122वां था और जब एक्ट की बात आएगी तो 101वां है। तो 115वां क्या था? 115वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से लैप्स हो गया था। चलिए तीसरा विकल्प पढ़ते हैं, यानी पहला और दूसरा सही है। और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन, कौन सा फैक्ट जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो पहला और दूसरा यानी ए और बी जो हमने पढ़ा वो दोनों सही है। सी पढ़ते हैं। द बिल प्रोवाइड्स फॉर ए लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम। अभी अभी हमने पढ़ा कि पांच चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो फैक्ट्स आपको याद होंगे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, द बिल प्रोवाइड्स फॉर ए लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम। बिल के प्रावधानों के अंतर्गत मानवीय उपभोग के अल्कोहल तथा पेट्रोलियम सहित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जा सकता है। यानी पांच सेवाओं, पांच वस्तुओं को जब जिसमें अल्कोहल है, पेट्रोलियम है यानी कच्चा पेट्रोल है, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल है, एविएशन फ्यूल है, तो इसका मतलब है कि ये विकल्प हमारा जो है वो सही नहीं है। चलिए ये विकल्प सही नहीं है, लेकिन फिर भी डी वाला भी पढ़ लेते हैं। डी देखें क्या कह रहा है। The Parliament would have exclusive power to levy IGST on interstate trade or commerce, including imports in goods or services. वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार की दशा में लोकसभा को समेकित वस्तु एवं सेवा कर यानी IGST लगाने का विशेष अधिकार होगा। IGST के बारे में मैंने अभी कई बार आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान भी चर्चा किया है, यानी यह भी सही है। यहाँ फिर से उस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा है वो है सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी फैक्ट बेस्ड ही हमने बनाया है जिससे कि आप इसको पढ़ करके और इसको याद रख सकें। What would be status of tobacco and tobacco products under the GST regime? GST के अंतर्गत तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की स्थिति निम्न में क्या होगी? चलिए विकल्प एक लिखते हैं। Tobacco and tobacco products would be under GST. In addition, the center would have the power to levy central excise duty on these products. तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत रखा जाएगा, परंतु केंद्र को इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी स्टेटस ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी रिजीम, यानी जीएसटी के अंतर्गत तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की स्थिति
क्या होगी? तो पहला सही है, इस पर जीएसटी तो लगेगा लगेगा, परंतु केंद्र को इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार भी होगा। चलिए अगला कुछ विकल्प पढ़ लेते हैं। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स विल बी ओनली द सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी। नहीं, जब पहला सही हो गया यानी उस पर केंद्र को यानी अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाने का, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, तो इसका मतलब दूसरा अपने आप गलत हो गया, यानी तंबाकू तंबाकू उत्पाद केवल जीएसटी के अंतर्गत नहीं करारोपित किए जाएंगे, इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगेगा। तीसरा है, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत करारोपित किया जाएगा, परंतु राज्य को इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होगा। नहीं, राज्य को लगाने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि इस पर केंद्र पर, केंद्र को इस पर लगाने का अधिकार होगा। यह समेकित वस्तु एवं सेवा कर का विषय होगा। नहीं, यह समेकित वस्तु आईजीएसटी का विषय नहीं है, क्योंकि इस पर जीएसटी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है। आईजीएसटी तभी लगता है जब कोई भी व्यापार दो राज्यों के मध्य किया जाता है, तब उस पर आईजीएसटी लगता है। तो अगर इसका भी व्यापार दो राज्यों के मध्य किया जाएगा तो इस पर भी आईजीएसटी लगेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि तंबाकू और तंबाकू उत्पाद का व्यापार एक राज्य में भी किया जाएगा, तो इस पर जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। तो हमारा इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु इज नॉट इन्वॉल्व इन जीएसटीसी? वस्तु एवं सेवा कर परिषद में कौन शामिल नहीं है? अगर आपने हमारे इस लेक्चर को सुना होगा तो इसको मैंने बहुत बढ़िया से बताया था, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया था, बहुत शॉर्ट में यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, कई बार ऐसा होता है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो अपने पास ही रख लेते हैं, यानी वो वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ऐसे में वो जब जीएसटी काउंसिल में जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं जाएंगे, बल्कि वित्त मंत्री की हैसियत से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो लिखा गया कौन इन्वॉल्व नहीं है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, इस राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। अगर वो उनके पास वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो है तो वो वित्त मंत्री के रूप में उसमें हिस्सा ले सकते हैं। राज्य वित्त मंत्री का, राज्य का जो वित्त मंत्री होगा उसके रूप में, या फिर मुख्यमंत्री खुद राज्य का वित्त मंत्री भी है और नहीं जा पा रहा है तो वो किसी को रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, नामित कर सकता है। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, मैंने अभी अभी बताया आपको कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स शामिल है। तीसरा विकल्प है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर। जी हाँ, बिल्कुल सही, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर जो होता है वही इस जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन भी होता है, वही उसका अध्यक्ष भी होता है। स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू अगर है तो, स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू अगर है तो वो जीएसटी काउंसिल में शामिल होगा। यहाँ एक चीज और आपको बता दें कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो वोटिंग राइट्स में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर और स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, यानी केंद्र का जो राजस्व वित्त राज्य मंत्री है उसके वोट्स का जो पावर, जो हिस्सा होता है वो 1/3 होता है, यानी 1/3 वेटेज जो होता है, 1/3 वेटेज इज गिवन टू द सेंटर एंड 2/3 वेटेज इज गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द स्टेट्स। तो दो लोग मिलकर के 1/3 वोटिंग राइट अकेले रखते हैं और 2/3 में बाकी सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो, खैर इसको आप लेक्चर में सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य के वित्त मंत्रियों का
वोटिंग राइट कितना है, या इस फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर का के वोट का कितना वेटेज है, तो आपको बता दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर और जो रेवेन्यू राज्य वित्त मंत्री हैं, राजस्व वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री, तो उनका वोटिंग राइट है 1/3। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि जीएसटी काउंसिल में कौन शामिल नहीं है, तो वो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। बहुत पढ़ा होगा आपने, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये तो पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक संपत्ति है, लिखा भी जाता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा बाय डिफिनेशन ये गलत होता है। चलिए बात करते हैं, ए हाईवे कंस्ट्रक्टेड लिंकिंग टू स्टेट्स विच इज टोल फ्री। एक दो राज्यों को जोड़ने वाली टोल फ्री हाईवे, टोल फ्री शब्द यूज किया गया है। अगर ये टोल टैक्स लगता है तो पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है, अगर टोल फ्री है तो पब्लिक गुड्स है। यानी अगर आप पर आपको किसी के लिए शुल्क देना पड़ रहा है तो वो पब्लिक गुड नहीं है, क्योंकि आप तो शुल्क देकर के उपयोग कर रहे हैं। अगर शुल्क देना पड़ रहा है उसके उपयोग करने के लिए तो पब्लिक गुड नहीं है, अगर शुल्क नहीं देना पड़ रहा है तो पब्लिक गुड है। अब चलिए इसी आधार पर फिर अगला विकल्प देखते हैं कौन सा है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण, इसके लिए आप कोई पैसा देते हैं? हमारे ख्याल से नहीं देते हैं। तो चलिए इसका मतलब ये है। और रेलवे सर्विस रन बाय द गवर्नमेंट, रेलवे के लिए पैसा आप देते हैं, अगर आपको यात्रा करनी होती है तो आपको पैसा देना पड़ता है, अगर आपको यात्रा नहीं करनी है तो आप पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर फ्री का कोई मतलब है ही नहीं है। यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, पूछा गया कौन सा नहीं है तो कौन सा होगा, रेलवे, क्योंकि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। हमने पहले ही बताया कि अगर हाईवे भी टोल फ्री ना होता तो भी वो भी पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल नहीं होता। चलिए एक और देख लेते हैं, पोजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बाई ए कंट्री, ये भी पब्लिक गुड्स है, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं उसी से हमारे रक्षा के लिए ये सारे हथियार खरीदे जाते हैं, तो ये भी एक पब्लिक गुड का एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो इसको कमेंट करना आप ना भूलिएगा, और जिससे हम आपको आगामी परीक्षाओं के लिए और अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।